सोलन में एक 23 वर्षीय विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला ने अपने घर में चुन्नी से फंदा लगाकर आत्महत्या की। घर के बाहर धूप सेक रहे उसके ससुर व उसके परिवार वालों को जैसे ही इसकी भनक लगी उन्होंने तुरंत चुन्नी काटकर तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला द्वारा घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की गई है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। उन्होंने बताया मृतका की पहचान रोशनी देवी के रूप में हुई है। ये परिवार मूलतः नेपाल का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जांच में पाया कि रोशनी अपने पति के साथ नेपाल जाना चाहती थी लेकिन पैसे की कमी के चलते उसका पति उसे नेपाल नहीं ले जा पा रहा था। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे डीएवी स्कूल के पास किसी लेडी ने हैंगिंग की है और उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। इस पे एसएचओ सोलन स्पॉट पे गए थे और जांच पे पाया गया कि ये लेडी जिसका नाम रोशनी देवी है ये नेपाल की रहने वाली है मूलतः, और यहाँ पे डीएवी स्कूल के साथ ही कुछ टेम्परेरी ढारे बनाए हुए हैं, वहाँ पे इनकी फैमिली रहती है। तो इस लेडी ने अपने क्वार्टर में अपनी चुन्नी से फंदा लगाया है और इसको इसके ससुर ने नीचे उतार के हॉस्पिटल ले गए थे लेकिन हॉस्पिटल में इसको डॉक्टर्स ने ब्राउन डेड डिक्लेयर कर दिया है। इसका सबको पुलिस ने कब्जा में ले लिया है। 174 सीआरपीसी की कार्रवाई की जा रही है और फर्दर पोस्टमार्टम बॉडी का करवाया जाएगा, फर्दर कार्रवाई की जा रही है। जब परिवार वालों ने देखा कि रोशनी काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आई तो शक होने पर ससुर ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर रोशनी को इसे लटका हुआ पाया। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।